जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार किस राज्य की मेरिट सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि जितने भी जो आंकड़े आए अभी सामने आंसर के आप सभी को पता है कि थोड़े से खट्टे मीठे हैं। खट्टे मीठे का मतलब खट्टे ज्यादा है, मीठे बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे राज्य की मेरिट कितनी रहेगी या सबसे ज्यादा किस राज्य की मेरिट रहेगी, आपका अनुमान क्या बोलता है। तो मैं आपको बताऊं 2015 से लेकर 2018 की जो वैकेंसी हुई थी इसमें और ये 2021 की आपकी वैकेंसी, इन तीनों में ही एक चीज कॉमन आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा मेरिट किस राज्य की जाती है, सबसे कम किसकी जाती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे कम आपको पता है कि भारत के 28 राज्यों में से 16 ऐसे राज्य हैं, 12 से 16 ऐसा राज्य है जहां पर मेरिट 40 नंबर के आंकड़े से 45 नंबर के आंकड़े के बीच में रहती है। बच गए कितने, 12 राज्य। 12 राज्यों में अगर आप नाम काउंट करोगे जिनकी ज्यादा मेरिट जाती है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जनरल एरिए, महाराष्ट्र के जनरल एरिए, दिल्ली, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य है जहां की मेरिट ऊपर रहती है। तो कोई शक नहीं है इस बार भी इन राज्यों से मेरिट ऊपर रहेगी बाकी राज्यों में। अब सबसे ज्यादा किसकी जाएगी, तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा है यूपी, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, एमपी, ये जो राज्य हैं यहां की मेरिट सबसे हिट रहती है भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत लाडलो।